हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्लांट्स फॉर गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ, क्योंकि जो है ये आप मेरे सामने देख सकते हो, मेरी गोल्ड के कुछ प्लांट रखे हुए हैं जो इस सीज़न के थे, विंटर जो निकल चुका है। तो आज मैं इसके सीड कलेक्ट करने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि अब इसका सीज़न बिल्कुल जा ही रहा है और अब इसके जो सीड्स हैं, मेरी गोल्ड प्लांट के सीड्स बहुत आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। पिछले साल भी मैंने इस पे वीडियो बनाया था और इस साल भी मैं सोच रही हूँ बनाने को। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरी गोल्ड के बहुत सारे फ्लावरिंग हुए थे वो सारे सूख गए हैं, और फूल सूखने के बाद ही इससे हम लोग सीड को कलेक्ट करते हैं, जो कि अगले साल काम आएंगे। आप सीजन में इसको जब डालेंगे मिट्टी में, तब ये बहुत ही अच्छे प्लांट बनके तैयार होते हैं। तो हम लोग करते क्या है कि इस साल ही सीड्स हर साल निकाल के रखते हैं और उससे प्लांट को बनाते हैं। बहुत सारे प्लांट मैंने बनाया था, आप लोगों को दिखाया भी था, उस पर वीडियो भी मैंने बनाया था। तो आज मैं इनके सीड्स कलेक्ट करूंगी, तो आप लोगों को दिखाऊंगी। मेरी गोल्ड का जो प्लांट होता है दोस्तों, वो विंटर सीजन का प्लांट होता है, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं मेरी गोल्ड के जो विंटर सीजन के बाद भी थोड़े दिन चल जाते हैं, लेकिन जो है कुछ ऐसे होते हैं जो सीजन जाते जाते प्लांट भी बिल्कुल मरता जाता है। तो अभी आप देख सकते हो मेरी गोल्ड के जो प्लांट है मेरे पास, उनका जो कलेक्शन रखा हुआ है वो काफ़ी डल हो चुका है, और बहुत ज़्यादा जो है इसमें देखिए बहुत ज़्यादा टहनियाँ सूखने लगी हैं देखिए। और अब इनका सीज़न जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये तो होना ही होना है। और छोटे छोटे गमलों में मैंने मेरी गोल्ड के बहुत सारा कलेक्शन रखा था, और ये बिल्कुल देखिए फूल, जो फूलों का साइज़ है छोटे फूल वाला था, लेकिन ये बहुत सुंदर था। इसके मेरे पास बहुत बहुत वैरायटी थी, पहले मैंने आपको वीडियो दिखाया है। इस वीडियो में मैं सीड कलेक्ट करूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी, और बहुत सारी देखिए कलियाँ बनी हुई हैं जो फ्लावरिंग के लिए तैयार हो रही हैं, और बहुत सारी फूल सूख चुके हैं जो अब बीज देने वाले हैं। तो मैं सोच रही हूँ उनको कलेक्ट कर लूँ, अगले साल ये मेरे बहुत काम आने वाले हैं। तो इसलिए फ्लावरिंग अच्छी हुई इस साल, आपको मैंने दिखाया था, अलग से वीडियो भी बनाया था। तो बहुत सुंदर फूलों का ये जो है कलेक्शन मेरे पास है, और बहुत अच्छे फूल खिले थे, बिल्कुल मेरा जो ये कलेक्शन पूरा फूलों से भरा था। ये विंटर सीजन का प्लांट होता है दोस्तों, तो इसमें जो बीज हैं वो बहुत ही अच्छे निकले हैं। ये देखिए इस तरह के जो बीज होते हैं बहुत हेल्दी होते हैं, और यही बीज हमको कलेक्ट करना है, और यह बहुत आसानी से निकल भी आते हैं। ये देखिए इस तरह के जो बीज होते हैं बहुत हेल्दी होते हैं, तो यही बीज हमको कलेक्ट करना है, जो अगले साल के लिए मैं इसको स्टोर करूंगी और अगले साल इसी से प्लांट बनाऊंगी। तो चलिए मैं निकालती हूँ, कैसे निकालना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए मैं निकालती हूँ कैसे निकालना है। अब देखिए जैसे ये फूल सूख चुका है, इसको ऐसे निकाल लेना है, और ऊपर का हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा ताकत लगा के नहीं करना, इस तरह से देखिए बीज ये निकाल लिए जाते हैं, इस तरह से ये निकाल लिए जाते हैं, इन्हीं को हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो चलिए और निकालते हैं, बहुत सारे ऐसे लगे हैं, ये अपने से ही सूखते हैं तभी बीज, ये देखिए ऐसे करेंगे पूरा, ऐसे ना गिराएंगे तो पूरा गिर जाएगा, ये देखिए है इस तरह के, ये देखो ये फूल ऊपर का सूख जाता है और इसके अंदर बीज ही बचते हैं केवल, ये देखो कैसे गिर रहे हैं, और बहुत हेल्दी बीज हैं ये देखो। इस तरह से निकालना है, जो फूल सूख जाते हैं उनके जो पीछे का हिस्सा बचता है वही होता है बीज, हम लोग उन्हीं को बोलते हैं। ये देखो फूल खिले हैं, इनको हल्का हल्का हाथों से हटाएंगे तो ये हट जाएगा, बिल्कुल सूख चुका है ये, और इसको ऐसे गिराएंगे, ये देखो बीज, इस तरह से आपको कलेक्ट करना है मेरी गोल्ड के जो भी बीज आपको रखना है आप ऐसे ही निकाल सकते हो। तो बहुत सारे इसमें लगे हैं, और मैं कोशिश कर रही हूँ जो सही है हेल्दी है उनको ही निकालना है। और हेल्दी कैसे पता करेंगे कैसे हैं, पहले ऐसे बीज देखे तोड़ेंगे और ऐसे गिराएंगे तो गिरेंगे, तो इससे पता चलता है कि बीज बहुत हेल्दी हैं। इस तरह से देखिए फूलों को जैसे हटा देंगे हल्का हल्का सा इस तरह से, और इसको तोड़ेंगे और इसको हल्का सा ऐसे घुमाएंगे, और
ये फूल हैं और इसको ऐसे ऐसे हल्का हल्का घुमाएंगे, ये देखिए ये बिल्कुल, इससे पता चलता है कि बहुत हेल्दी ये बीज है। इस तरह से निकाल लेंगे। तो चलिए मैं निकाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसे निकाला है मैंने। ये देखिए मैंने कितने सारे बीज निकाल लिए हैं। इस तरह से आपको इकट्ठा कर लेना है और ये बहुत आसानी से देखिए निकल जाते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी हेल्दी जो बीज हैं और ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो भी करते हैं और इनको निकालना बहुत आसान है। ये देखो इस तरह से निकलते हैं। ये देखिए ये जब फूल सूख जाते हैं उसके बाद ये निकलते हैं। इस तरह से इन्हीं को रखते हैं हम लोग और प्लांट बनाते हैं। बहुत आसान तरीके से ये देखिए निकल जाते हैं। ये देखिए तो इस तरह से आप लोग कलेक्ट कर सकते हो। बहुत ही प्यारा प्लांट होते हैं और बहुत अच्छे फूल भी खिलते हैं। तो ये हमने निकाले हैं बीज कुछ ऐसे ही, आप लोग देख सकते हैं, और बहुत हेल्दी बीज हैं। आप लोग इसी तरह कलेक्ट कर सकते हैं इसको। तो इन बीजों को आपको रखना कैसे है, इनको बस कागज़ में या पेपर में लपेट के आपको पॉलीथीन में बांध के रखना है ताकि बारिश के टाइम पे ये ख़राब ना हो। बस इनकी थोड़ी सी केयर बस इतनी करनी पड़ती है, आपको प्लास्टिक की पॉलीथीन में बांधना है ताकि ये सीलन से ख़राब ना हो। इतना ध्यान रखिए, बस बहुत अच्छे बीज निकले हैं और ये अगले साल में इनके जो है प्लांट भी बनाऊंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। आप लोग इसी तरह कलेक्ट कर लीजिए और अपना जो बीज है उसका प्लांट का आप रख सकते हो। तो आप लोग ऐसे ही कलेक्ट करिए और प्लांट बनाइए। आपने देखा कि कैसे मैंने बीज को कलेक्ट किया है इस तरह। देखिए फूल सूख जाते हैं, इसी के नीचे यहाँ पे बीज रहते हैं, जितना काला हिस्सा रहता है, ये देखो दिख भी रहा हल्का हल्का सा, इतना काला हिस्सा होता है। ये अभी और सूखेगा और सूखने के बाद जो बचेगा वो बीज होते हैं। तो बहुत आसान तरीके से आप लोग कलेक्ट कर सकते हो इसका जो बीज का कलेक्शन है और अगले साल प्लांट बना सकते हो। तो बहुत आसान है और आप लोग अगर मैरीगोल्ड के प्लांट इस सीज़न में लगाए थे तो बीज ज़रूर बनते होंगे। आप लोग इसी तरह कलेक्ट कर लीजिए और अगले साल बहुत काम आने वाले हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं रोकती हूँ। कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं इसी तरह की बहुत सारी जानकारी लाती रहती हूँ और आप तक पहुँचाती रहूँ। तो चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, कोई नया टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिए। तो ओके फ्रेंड, बाय।